myself Rajiv Sarda, and today I feel extremely elated that I got this opportunity to perform over here. And that too was such a special day when we are celebrating our 12th anniversary. So friends, I must return to Hindi because I'm going to mimic some of those famous Bollywood actors and few of the animals. And I have a short skit on Love Yourself. So mimicry ka ye karwa shuru karna chahunga Gulshan Grover ke saath. Gulshan Grover ko hum jante hain ek bahut bade villain ke roop mein. To sochiye unko aapki gaadi pasand aa gayi. To wo aapse aapki gaadi ki chabiyan kaise maange? Gulshan Grover. तेरी गाड़ी को देख के मेरा दिल गहन गहन हो गया। सीधी तरह से गुड मैन की तरह गाड़ी के चाबियां मेरे हाथ में तुझे गाड़ी बन जाऊंगा और तेरी गाड़ी की मोटी मोटी करके रच में फेंक दूंगा फिर में जब की और कोई भी डर के बारे में चाबी मिलेगा। तो सोचिए गुलशन ग्रोवर पोकरी फिल्म का वो फेमस डायलॉग बोलेंगे। कौन सा फेमस डायलॉग? कैन एनीवन गेस? यावड़ कोड़ी का सारी कमी कही थी। तो गुलशन ग्रोवर वो डायलॉग कहते थे अब कैसा है कम में कहते राम मातल ने रगड़ा ना तो ये विलन से तुम हटके दूर गया और बॉलीवुड के सबसे इंटेंसिफाइड एक्टर्स सलमान के हीरो शाहरुख खान। ओके, तो मेरा जो पसंदीदा डायलॉग है मैं वो कहना चाहूंगा मूवी ओम शांति हो एंड द डायलॉग इज एक शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। तो आवाज तो नहीं मिलती नहीं बट फेशियल एक्सप्रेशन मिलाना चाहूंगा। सो कैन यू जूम इन टू माय फेस शाहरुख खान देख क्या आवाज है सोचिए आवाज है कैसे बोलते इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पानी की इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पानी की कोशिश की है कि हर जल ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे खामों को यकीन में बदल दिया इतना कि अब फिर लग जाएगी नौकरी को और एक बात का यकीन हो गया दोस्तों कि हमारे फिल्मों की तरह हमारी असल जिंदगी में भी सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाता है अगर सब ठीक ना हो तो वो देख नहीं दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है ना दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। तब सोचिए शाहरुख खान पोके दिन का डायलॉग बोलेंगे पोके के जाने पर लगे ओ ये एक लाइन आ रही है सुनील शेट्टी। सोचिए वो ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे श्रद्धा सा माना तो वहां पहाड़ के कॉलेज किया यहां जा रहा है मुझे तुमसे मिलाना के साथ यश किया मारे माता हुआ ना ले कर जा गया और नहीं जाता और तुम मुझे हुआ ना तो यहां आना सुनील शेट्टी पोखरी फिल्म का डायलॉग अरे ओका सारे काम करता है अरे सारे अरे सारे ओका सारे काम करता है सामने बड़ा नहीं 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 नहीं
तो ये थे कुछ एक्टर्स की आवाज। तो अभी मैं आगे अपना एनिमल्स पे आऊंगा। मेरा फेवरेट जानवर है कुत्ता, डॉग। तो हर किसी के पास कुत्ता होगा, अगर उन्होंने देखा होगा कि उसको जब भी कुछ चाहिए रहता है या फिर ही तो ग्रीडी एनिमल है, तो आता है कि ऐसे हरकतें करते हैं जैसे कि हम अरे चलो भाई ले लो, हाँ कुछ कर लेते उसको। तो अभी सीन ये रहता है कि मेरा जो अभी मैं कुत्ते की तरह एक्ट करूंगा, ओके, मेरा जो मास्टर रहेगा वो पूरी तरह से गुस्से में है, पूरा चिड़ा हुआ किसी बात को लेकर। तो मैं जाता हूँ उसके पास, कहलाता हूँ कुछ पानी की आस में, खून का खून करते रहता हूँ। तो वो मुझे पत्थर मारता, तब क्या होता है फिर मैं रिवेंज ले जाता। तो मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहूँगा, प्लीज प्रयास करो। सो मी एज अ डॉग कमिंग, बाद में उसको तब बुला मुझे। सबसे बुरी बात तो ये लगती थी कि मैं सिगरेट पीता था, उसको बुरी की बात लगती थी। छोड़ के गई
शब्द तो नहीं द हैं द ऋतिक बोलता है ना ये बात तो बच्चे से भी बता सकते थे इतने चिल्लाने का क्या है तेरी फिर से कह रहा हूँ गाइस मेरे को स्पेनिश नहीं आती है जब अपने आप से प्यार करेगा खुद के जान लेता है वो किसी को प्यार करने की लायक नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच। सो वेरी डाउट अबाउट इट। वन मोर राउंड ऑफ अपॉर्ट। थैंक यू वेरी मच।